दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि तुसी इंतजार किया है, लेकिन ये जो तरक्याती कमां दा सिलसिला सी ना, ये बहुत अरसे तो रुकिया सी। इस इलाके च मलिक अफजल साहब ने जो 13 से 18 तकरा सी बहुत कोशिश की है कि तकरीबन बेहद गलियां जड़ियां ने मुकम्मल हो गई सन, जो बकाया रह गई सन ना ए तकरीबन 5 साल दे विच तुसी भी समझते हो कि PTI का दौर सी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने कोई एक किट भी लगी होगी इस 5 साल के दौर च। अल्लाह के फजल से 5 साल बाद दोबारा फिर ये आगाज़ मलिक अफजल खोखर साहब ने शुरू किया, क्योंकि जिसले तरक्याती कमां का नाँ आता है उत्थे मलिक अफजल खोखर साहब का नाँ, कि यह हमेशा तरक्या जिन्हें भी तरक्याती कम ने खा के सूई गैस का हो, बिजली का होए, सड़कों का होए, इन्हों की बड़ी कोशिश होंगी है कि मेरे हल्के दे मेरे हल्के दे ए जिहड़ा आखिरी फंड है। देखो हुण हुकूमत भी नहीं, सवाल है कि किस तरह इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन मलिक साहब की तबीयत भी खराब सी, इनके बावजूद मलिक साहब ने ऐसी अनथक मेहनत की है कि अपनी सेहत का नहीं सोचा कि डॉक्टर ने क्या आराम करना है कुछ करना है, उनके बावजूद इन्होंने आखिरी दिनों के फंड मंजूर करवाए और जिंदा अज आगाज शुरू है। तो इस वास्ते अल्लाह के फजल नाल मलिक अफजल खोखर ने शराफत की सियासत की है, इंतकामी सियासत नहीं की, हमेशा दूसरों को इज्जत दी है, छोटियों को बड़ियों को। लेकिन जो PTI के 5 साल सन ना, उन्होंने बच्चों नौजवानों को बदतमीज़ बनाया, उन्होंने हमेशा बदतमीजी सिखाई है, कोई तरक्याती कमां का किसी को इज्जत करन दा दूसरा ए 5 साल दे विच किसी ने यह कुछ ना दर्श दिता है। अज देख लो अल्लाह की कुदरत, जिहड़ा फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह ते छोड़िया सी, अज उहदा रिजल्ट चेक कर। ते चीज़ है कि इज्जत मिल जाना बल्ला है, जितना मर्जी इंतकाम कर लै, बेशुमार परचे हुए मलिक साहब हर भी घर ढां तिकर गए ने, मस्जिदों ऐलान कराए ने, बेशुमार जगह के उत्ते कितने कितने इन्होंने नहीं किए, लेकिन बर्दाश्त का हौसला भी होना चाहिए। मलिक साहब हर कि सख्ती आई, लेकिन इन्होंने कहा कि पार्टी छोड़न वास्ते सवाल ही नहीं पैदा होता, असी कोई स्टाम्प पेपर दईए या असी कोई लिख के दईए या असी ये कॉल करार भी करिए, यह होती हिम्मत। अज जरा को आई इन्हों के वेखो बड़े बड़े लीडर किस तरह इन्होंने पार्टियां चेंज कीतियां ने, क्योंकि ये जिहड़ी पार्टी सी ना, ये पार्टी ऐसी हो समझदे हो ना मांगे तांगे दी जिहनूं कहिंदे, ते एक फितना पार्टी सी। पहले भी डॉक्टर इसरार साहब जो कह गए ने कि एक यहूदी लाभी है, अज महंगाई का जो सिलसिला है तुसीं की समझदे हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उस वेले IMF नूं खदाफस कहता सी 16 दे विच, लेकिन उस तो बाद इन्हें कहा मैं खुदकशी कर लाँगा, IMF कोल नहीं जावांगा। अज जो बिजली का ए बाकी पेट्रोल का महंगाई का यह मुआदे हो चुके हैं, तुम समझते हो कि अगर तुम एक बैंक को कर्जा लेंदे हो, खा के जरई को लेंदे हो, या सूद के पैसे लेंदे हो, जो मुआदा करते हो एक साल खत्म नहीं होता, वह 2 साल का या 3 साल का या जो भी मुआदा 5 साल का होंगे, ये सारा सानू भुगतना पैना है। असं भी महंगाई में समझने, तुम भी समझते हो, लेकिन बाकी सब प्रोपेगेंडे ने। इंशाल्लाह जिस तरह मुशर्रफ दौर एकदम कीमत गई सी उपर, तो मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा आए सन तो कीमत दोबारा थले आ गई सी, तो इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ने चाहिया तो महंगाई का भी मियां नवाज शरीफ साहब के आन की देर है, हुकूमत बनन की देर है, महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल होएगी। और जिस तरह 2016 IMF नूं खुदाफज किया सी ना, मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा IMF नूं खुदाफज कहेंगे, सी पैक चल जाएगा, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जिहड़ी तरक्की तो रुकिया सी ना 6 साल पहले। सिलसिला खत्म होया सी, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब दे आन नाल वहां से जारी होगा। तो इस वास्ते तरक्याती काम ही नहीं हो सके, असी भी कोई हल्के च काम नहीं करवा सके, तुसी भी समझदे हो। कुछ लोग समझते हैं कि यार इन्होंने बड़ी 5 साल ऐश लीती है, लेकिन जिंदे नाल गुजर रही होंगी है उन्होंने अंदाजा होंगे कि मलिक साहब के किनिया FIR ने, मेरे तो किनिया FIR ने, कि इन्होंने ज्यादती की है, लेकिन असी अल्लाह के फजल नाल इस पार्टी के साड़ी जान भी हाजिर है। पहले भी
और इंशाल्लाह हुण भी सिर्फ तुहाडे दोस्तां दा भाइयां दा साथ चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। यह जो छोटे मोटे तरक्याती काम ने यह मलक अफजल खोखर साहब वास्ते कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह अगर एक साल भी यह मिल जाता ना यह पूरा पंजाब च भी तो इंशाल्लाह तरक्याती कामों का ऐसा आगाज होना सी कि असी गलियां तलाश करनी सन बकाया किहड़ियां रह गईयां। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त देगा। हौसला रखना है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह दोबारा आगाज शुरू होगा अन करीब इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, तुम थोड़ी देर इंतजार करना पाया है। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।